समाचार, जगजीत कुमार बोल रहे हैं भारत उदय समाचार से। बोलिए बोलिए जगजीत बाबू। सर टेलीफोनिक इंटरव्यू है आपका, अभी बताया जाए। सर सबसे पहले एक सवाल है सर कि जीवेश मिश्रा जी लॉकडाउन के बीच अपने क्षेत्र में आ गए हैं, तो उसको लेकर एक समाचार चल, मतलब लोगों में चल रही है गहमा गहमी कि सभी लोग अगर क्वारंटाइन में जा रहे हैं तो जो विधायक है उनको भी जाना चाहिए, पहला है। कहाँ से आ गए हैं, के बोला है? जीवेश मिश्रा जी। जी जीवेश मिश्रा जी लगातार जी 17-18 तारीख से ही क्षेत्र में हैं। जी हाँ, अपने घर पर हैं। 19-20 को क्षेत्र में उनका हॉस्पिटल में भ्रमण भी हुआ है। 20 तारीख के अखबार में, सभी अखबार में फोटो के साथ जी उनका छपा है। जो भैया ये देख लीजिए, हम व्यवस्था सबसे पहले जी, कोई आदमी जो है सो कोरोना संबंधित अपने हॉस्पिटल का निरीक्षण करके, जिस समय लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, अपने यहाँ अलग वार्ड शुरू करा के सिस्टम डालने का काम कर दिए थे जी जी। और उस समय से लगातार जो है सो क्षेत्र में है। जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं अपने घर में था जी। तो जिनके पास अगर कोई प्रमाण है जीवेश जी बाहर से आ गए हैं, तो वो अच्छे मीडिया एजेंसी को प्रमाण प्रस्तुत कर दें जी, और वो मीडिया उसको फिर दिखावे, तो फिर हम उसको जवाब देंगे। जब हम घर ही पर हैं जी, तो ये तो होम सेल्फ लॉकडाउन में है, हम इसको होम क्वारंटीन कह सकते हैं। हम तो घर के अपने दरवाजे के बाहर गेट पर नहीं गए हैं जी। माने जी, जो मेरा दरवाजा है जी जी, उससे जो बगल से सड़क के निकलती है, हम वहाँ तक पर नहीं गए हैं 22 तारीख से लेके अभी तक, 24 तारीख से लेके अभी तक। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है, जो मान के चलिए आपके ऐसे लोगों के लिए यही संदेश है कि अभी राजनीति न करके जी जनता की सेवा पर ध्यान दे। उनको जो रोजमर्रे की चीज के लिए जो तकलीफ हो रहा है, अपने को स्वस्थ रखते हुए उन तक व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र के हिसाब से स्थानीय वर्कर का टीम बना हुआ है जी, सैनिटाइजेशन से लेकर के उनको जो परिवार अनाज से वंचित है उनको कैसे अनाज राशन पहुंचे, इसकी व्यवस्था में हमारे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान वर्कर लगातार लगे हुए हैं। और मैं प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करते हुए अपने घर में रहकर और सभी का मॉनिटरिंग कर रहा हूं। इसलिए उन लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये कोरोना नामक महामारी से तुरंत हम लोगों को छुटकारा मिले, और उसके बाद जो खाली समय बचेगा उसमें राजनीति राजनीति खेलेंगे जी। एक सवाल और है सर, और कर्म अभी धर्म और कर्म को खेलें, अभी उसको उसका निर्वहन करें, और राजनीति राजनीति जब ये बीमारी से निकल जाएंगे तब जिनको आदत है राजनीति राजनीति खेलने का वो खेलेंगे। सर नहीं तो है नहीं। सर प्रदेश प्रवक्ता के नाते एक आपसे सवाल है सर। अब प्रदेश प्रवक्ता नए टीम में मैं हूँ नहीं, प्रदेश पैनल में हूँ मैं जी। हाँ जी, हाँ मीडिया पैनल में हूँ जी। जी सर, तो एक सवाल है नाते आपका जी। जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 20 हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार जो मानव श्रृंखला है उसमें ला देते हैं, और अभी कोटा में जो फंसे हैं छात्र उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार हो, उनके तरफ से कोई मतलब क्या नहीं जा रहा प्रयास? जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती है, आज तक उनके पार्टी में शामिल नहीं हुई, तो उनको लोग कितना नोटिस लेते होंगे समाज में ये आप ही समझते होंगे जी। तो अपने परिवार में अर्धांगिनी को अपने दल में शामिल नहीं करा सके, उनके बातों का समाज कितना महत्व देता होगा ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जो जहां है उनको सुरक्षित रखें और वहां उनकी व्यवस्था को पूरा करें। बिहार की सरकार पहली देश की ऐसी सरकार है जिसने बिहार से बाहर फंसे हुए अपने लोगों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किया है। इसलिए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जी को कहेंगे कि निजी स्तर पर भी अगर अपने पार्टी के कोष से कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, राजनीति का खेल नहीं करना चाहिए। एक सवाल और सर, जीवेश मिश्रा जी अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं अभी जो लॉकडाउन के बीच जो महामारी चल रहा है? मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जीवेश मिश्रा जी अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पूरी टोली लगी हुई है जी, लॉकडाउन का पूरा समर्थन करते हुए
और जो जहाँ है, जो वर्कर जहाँ है, अपने घर के अगल बगल में कोई भूखा न सोए, इसका पूरा ख्याल हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष स्तर के सभी वर्कर कर रहे हैं। और जितने लोग जिनके पास आधार कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास खाद्यान्न की कमी है, उसको हम लोग अपने स्तर से मुहैया करा करके उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक टोली सैनिटाइजेशन का भी अपने स्तर से काम कर रही है, जबकि सरकार भी पुरजोर तरीके से सभी पंचायत के मुखिया जी लोगों को पंचम राज्य वित्त आयोग से परमिशन भी दिया है सैनिटाइजेशन का, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का हम भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी सभी पंचायतों को 5,000-5,000 रुपए का प्रावधान किया है ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए। तो इसलिए सरकार भी पूरी तन्मयता तत्परता से लगी हुई है, और हमारी टीम भी एनडीए की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे जाले विधानसभा के अंदर असहाय लोगों तक या जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है उन तक अनाज पहुंचाने का, उनका चूल्हा बंद न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए और निष्ठा के साथ इस कार्य को कर रही है। जाले विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं, जो लोग बैंकों पर लगातार भारी संख्या में भीड़ लगा रहे हैं, चाहे जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? मैं सभी लोगों से निवेदन किया हूं, मैं इसीलिए एक आदर्श को भी प्रस्तुत किया हूं घर में रह करके। मैं सभी लोगों से निवेदन किया हूं कि वो अपने घर में रहें, और कई लोगों को दवा की आवश्यकता हुई है तो थाना के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, मैं दरभंगा से दवा मंगवा कर उनके घर तक मुहैया करवाया हूं। तो इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, मैं गैस एजेंसी चलाने वाले बंधुजन से भी बात किया हूं कि आप अपने यहाँ गैस चूंकि आवश्यकता है आप जरूर दें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें ख्याल करें, और गैस घर पहुंचा कर दें उनके आह्वान पर, जो भी गैस मंगाते हैं घर पहुंचा कर दें। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम ख्याल करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग भी एकदम तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अगर किसी तरह की कोई आवश्यकता का डिमांड आएगा तो कोरोना वायरस की मदद से उनके घर तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, सब में लगे हुए हैं। और लोग निष्ठापूर्वक, जाले विधानसभा के लोगों का, जाले विधानसभा के महान जनता का मैं आभारी हूं कि कमोबेश बखूबी उन्होंने इस लॉकडाउन का पालन किया है। एक अंतिम और आखिरी सवाल है सर कि दादरा नगर हवेली के बॉर्डर और पालघर जिले में जो जिस तरह से साधुओं की निर्मम हत्या हुई है, इस पर आपका क्या बयान है? बहुत ही दुखद घटना है, और हम सरकार से, वहां की सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करावे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर तुरंत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। एक और सवाल है सर, लास्ट आपसे, जो मैंने पहला सवाल किया था आपसे सर जी, पहला सवाल था ये कि मतलब जो जीवेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से आए हैं, इस तरह से सवाल था, तो एमडी रियाज आजम हैं दरभंगा के हैं, जो छात्र राजद के हैं नेता जी, उन्होंने एक फेसबुक पे कमेंट किया है कि मैं डीएम से आग्रह करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जीवेश मिश्रा जी दिल्ली से भागकर अपने क्षेत्र में आ गए हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। अच्छा, वो मान्यवर रियाज भाई जी हैं, आजम, रियाज आजम, और जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जी, उनका तो आरोप लगाना लाजमी है, और सबसे बड़ी बात है उनके पास कोई इसका प्रमाण है तो मैंने पहले ही कहा वो उसको उजागर करें, और जीवेश मिश्रा जी स्वयं अपने घर पर हैं, तो इसलिए उनका मांग है, उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है, जिलाधिकारी को उचित लगेगा तो वो अपनी आगे की बात करेंगे। लेकिन मैं फेसबुक पर किए गए कमेंट, बिना आधार का किए गए कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि आपने जो विषय रखा है फेसबुक पर, तो अभी मैंने लोगों से आग्रह किया है कि आप राजनीति न करके लोगों को सेवा भाव, लोगों का सेवा करें। यह दलीय महामारी नहीं है, यह महामारी है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जल्दी खत्म हो जाए और सब लोग मिलकर अमन चैन से रहे। जो मजबूर भूखे लोग हैं उनकी मदद कैसे हो, इसकी चिंता सभी दलों के लोगों को मिलकर मानवीय आधार पर करनी चाहिए। यह राजनीति राजनीति खेलने का समय नहीं है। अतः फेसबुक पर किए गए कमेंट पर अगर हम अगर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो अच्छे काम को करने का वक्त मेरे पास खत्म हो जाएगा, जो अभी जनता को हमसे उम्मीद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जी।
लगातार ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या जीवेश मिश्रा जब दिल्ली से आए हाल फिलहाल में, तो वो चेकअप क्यों नहीं करवाया और क्वारंटाइन में क्यों नहीं गए हैं। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। लगातार भारत उदय समाचार आप सभी को।